वेलकम फ्रेंड्स इन द क्लास ऑफ सरू सर। आप सभी का सरू सर के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस का फोर्थ क्लास का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इट मींस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 3 sessions. Those students who are joining today, they can watch the video of day 1, day 2 and day 3 so that they can get a good understanding in the chapter. Today we will discuss meaning and definition of commerce, function of commerce, type of commerce, trade and its type, and auxiliaries of trade. And now, commerce refers to all those activities which are concerned with the transfer of goods and services from the producer to the consumer. Commerce में उन सभी activities को शामिल किया जाता है जो goods and services को producer से consumer तक पहुंचने में मदद करते हैं। It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of good and services. और ये वो सभी activities को शामिल करता है जो goods and services को market में free flow में मदद करते हैं। अब हम लोग समझते हैं function of commerce. The function of commerce are as follows. देखिए हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, इसको रिमूव किया जाता है। हिंड्रेंस मतलब रुकावट। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को रिमूव किया जाता है ट्रेड से। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, इसको रिमूव किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन से। हिंड्रेंस ऑफ टाइम इज रिमूव बाय वेयर हाउसिंग एंड हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इज रिमूव थ्रू इंश्योरेंस। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस इज रिमूव थ्रू बैंक एंड फाइनेंस। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिमूव थ्रू advertising and we will discuss one by one. Now the first, removing the hindrance of person by making goods available to consumer from the producer through trade. एक आदमी हर एक जगह present नहीं हो सकता है, इसको हटाने के लिए trade है जो consumers को goods हर एक जगह पर available करवाता है. Transportation removes hindrance of place. ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस का यानी कि गुड्स कहीं और बनता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह होता है, तो इस चीज को पॉसिबल बनाता है ट्रांसपोर्टेशन। दैट इज ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट फॉर सेल। थर्ड, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स to be sold and when required. अब अगर हम लोग बात करते हैं तो वेजिटेबल्स का, जैसे ओनियन है, पोटेटोज हैं, ये पूरे ईयर भर उगते नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये पूरे ईयर भर, सालों भर ये हम लोग को अवेलेबल होता है, तो ये पॉसिबल तभी है जब इसका वेयर हाउसिंग हो, ये स्टोरेज हो। तो इसको सेफ जब स्टोरेज होता है, तो स्टोरेज होने के बाद जब जब इसका डिमांड होता है मार्केट में, उसके अनुसार स्टोरेज से ये मार्केट को अवेलेबल करवाया जाता है। एंड दस स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। फोर्थ, इंश्योरेंस रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ रिस्क एंड लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। एंड इंश्योरेंस रिमूव द हिंड्रेंस, इंश्योरेंस लॉस या डैमेज के रुकावट को दूर करता है, इसके रिस्क को कम करता है। बैंकिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फाइनेंस, पैसे की जरूरत पड़ता है, और वो बैंक लोन प्रोवाइड करके उसको दूर करता है। बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू अ बिजनेसमैन फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेज रॉ मटेरियल्स एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस, एंड हेंस बैंकिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। एंड एडवर्टाइजिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंफॉर्मिंग
कंज्यूमर अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। एडवर्टाइजिंग लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, यानी कि इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन पहुंचने में रुकावट हो रहा था उसको एडवर्टाइजमेंट ने दूर किया। बाय इंफॉर्मिंग कंज्यूमर्स अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। नाउ कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। इन कॉमर्स देर आर टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज, कॉमर्स दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, जिसका मोटिव होना चाहिए अर्निंग प्रॉफिट। इट इज क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, और इसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। जैसे ट्रेड, ट्रेड को हम लोग इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड में क्लासीफाई करते हैं। एंड इंटरनल ट्रेड इज फर्दर क्लासीफाइड इंटू होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। एंड एक्सटर्नल ट्रेड इज फर्दर क्लासीफाइड इंटू एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड इंटरपोर्ट। नाउ इंटरनल ट्रेड, द ट्रेड विच टेक प्लेस विद इन अ कंट्री। जो ट्रेड एक कंट्री के अंदर होता है उसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इंटरनल ट्रेड इज क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। एंड होलसेल ट्रेड, व्हाट इज द होलसेल ट्रेड? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। इन होलसेल ट्रेड द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आर डन इन लार्ज क्वांटिटीज। अ होलसेलर बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू अदर डीलर्स। जो होलसेलर होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से बल्क में खरीदता है और दूसरे डीलर को वो बेचता है। ही सर्व्स एज अ कनेक्शन लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। और होलसेलर प्रोड्यूसर और रिटेलर बीच के बीच का लिंक होता है। रिटेल ट्रेड, इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज एंड सेलिंग देम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। और रिटेल ट्रेड में क्या करता है कि जो ट्रेडर होते हैं वो होलसेलर से परचेज करते हैं सामान कम मात्रा में और फिर उसको कंज्यूमर्स को बेचते हैं। जैसे अगर हम लोग जिस दुकान से सामान खरीद के लाते हैं इट इज़ कॉल्ड रिटेलर, और वो दुकान जिस दुकान से सामान खरीद के लाता है वो दुकान कहलाता है होलसेलर। एक्सटर्नल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। व्हेन द ट्रेड इज बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ वन कंट्री इट इज नॉन एज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड कैन बी क्लासीफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज एंड वी क्लासीफाई द एक्सटर्नल ट्रेड इंटू थ्री कैटेगरीज, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट। इम्पोर्ट ट्रेड, इफ गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। यदि हम लोग गुड्स को किसी और कंट्री से खरीदते हैं, दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में मंगाते हैं तो वो इम्पोर्ट ट्रेड कहलाता है। एक्सपोर्ट ट्रेड, इफ गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज, अगर किसी दूसरे कंट्री को हम लोग सामान बेचते हैं इट इज नॉन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट, व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, जब गुड्स को हम लोग मंगाते हैं दूसरे कंट्री से मंगाते हैं और उस गुड्स को हम लोग कंज्यूम नहीं करते अपने कंट्री में बल्कि उस गुड को फिर हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। When goods are imported for export to other countries, it is known as interport. For example, Indian firms may import some goods from America and export the same or services to Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, etc. This is known as interport. Auxiliary to trade, all those activities which help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods are called auxiliary to trade. इसमें वो सभी एक्टिविटी शामिल होते हैं जो ट्रेड एंड कॉमर्स के रुकावट को दूर करते हैं, उसको हम लोग auxiliary to trade कहते हैं। इन ओवरव्यू ऑफ दिस एक्टिविटीज इज गिवन बिलो। इन एक्टिविटीज में हम लोग क्या क्या शामिल होता है आप लोग देख सकते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, जैसा हम लोग पहले भी इसके बारे में एक्सप्लेन किए। अब हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस एट वन प्लेस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैन टेक प्लेस इन वन प्लेस, वेयर एज दीज आर डिमांडेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन इसका डिमांड पूरे कंट्री में होता है। द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्ट, और ये जो डिमांड है हर जगह पर एक जगह प्रोड्यूस हुआ और हर एक जगह पर सामान को पहुंचाने का जो जिम्मेवारी है ये ट्रेड का है, ये सॉरी ट्रांसपोर्ट का है। अलोंग विथ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट अकेला इसमें काम नहीं कर सकता है, ट्रांसपोर्ट के साथ कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड ट्रेडर्स। द कॉमन कम्युनिकेशन सर्विसेज आर पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट एक्सेट्रा। जो कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है पोस्टल सर्विसेज है, टेलीफोन है, फैक्स है, इंटरनेट है एक्सेट्रा, वो हम लोग सभी को जानते हैं। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बिजनेस नीड्स फंड फॉर एक्वायरिंग एसेट, किसी भी बिजनेस को फाइनेंस का जरूरत पड़ता है एसेट का परचेज करने के लिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, एंड मीटिंग विथ अदर एक्सपेंसेस, और डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी उसे फाइनेंस की जरूरत पड़ता है। नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम अ बैंक, और ये जो नेसेसरी फंड उसको जो पैसे चाहिए वो बैंक से वो कर्ज के रूप में ले सकता है। इंश्योरेंस, इट प्रोवाइड्स अ कवर अगेंस्ट द लॉस ऑफ गुड्स, और आप लोग सभी जानते हैं इंश्योरेंस क्या करता है, अगर बिजनेस को लॉस होता है तो उसको वो कवर करता है। जैसे गुड्स ट्रांजिट में है, गुड्स को हम लोग ट्रक में मंगा रहे हैं, बीच में ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके साथ साथ हमारा गुड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी से हमारा गुड्स का भरपाई होगा, हमारा जो लॉसेस होगा उसका इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगी। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिट, स्टोरेज, थेफ्ट, फायर एंड अदर नेचुरल क्लाइमिटीज इंश्योरेंस कैन बी क्लेम्ड। वेयर हाउसिंग, देर इज जनरली अ टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजुम्पशन ऑफ गुड्स, यानी कि सामान को प्रोड्यूस आज करते हैं तो आज ही उसको ख़त्म भी नहीं करते हैं, आज ही उसको कंज्यूम भी नहीं करते हैं, तो बीच में उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज या वेयर हाउस का होना जरूरी है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई स्टोरिंग द गुड्स इन वेयर हाउसेस, और प्रोडक्शन और कंज्यूम्पशन के बीच के जो टाइम का डिफरेंस है इसको वेयर हाउस से दूर किया जाता है, उसको स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए जो वेयर हाउस है। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग ब्रिंग्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स। एडवर्टाइजिंग क्या करता है, एडवर्टाइजिंग ब्रिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स। एडवर्टाइजिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स मतलब जो उस सामान का डिमांड करते हैं या जो उस सामान को परचेज करने की इच्छा रखते हैं उन तक एडवर्टाइजिंग उस प्रोडक्ट का नॉलेज पहुंचाता है, उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल पहुंचाता है। इट इज़ थ्रू एडवर्टाइजिंग दैट द कंज्यूमर कम टू नो अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी, और एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में और उसके उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाता है। After going through today's session, we were able to understand the meaning and definition of commerce, function of commerce, type of commerce, trade and its types. और आज की क्लास से हम लोग ये सारे बातें सीखे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स सीख लिए, फंक्शन ऑफ कॉमर्स सीखे, टाइप ऑफ कॉमर्स सीखे एंड ट्रेड एंड इट्स टाइप भी हम लोग आज सीख लिए। एंड नाउ थैंक यू फॉर टूडेज सेशन, एंड आई रिक्वेस्ट अगेन to subscribe the channel to support study from home.